योगी सरकार में अधिकारियों की मनमानी फल फूल रहे हैं टेंडरधारी। मानक विपरीत 12:1 का मसाला और पीले ईंट का पुल निर्माण जारी। 12 रिसिया ब्लॉक के ग्राम सभा बुलबुल निवास व महारता के बीच में एक टेंडरधारी पुल का निर्माण करवाया जा रहा, जिसमें अत्यंत घटिया सामग्रियों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस पुल निर्माण में लगने वाली सामग्री 12:1 का मसाला और पीले ईंट है। हमारे संवाददाता को वहां के ग्रामीणों द्वारा पुल निर्माण में होने व देने वाली मजदूरी को बताया तो हमारे संवाददाता पहुंचकर मौके का अनावरण किया और काम करने वाले कारीगरों व मजदूरों से जानकारी ली। मजदूरों ने बताया तो पर उतनी सच्चाई से नहीं बताई जितनी सच्चाई हमारे संवाददाता द्वारा कवरेज की गई वीडियो में दिख रहा है, जिसमें आप लोग भी देख सकते हैं कि टेंडरधारी ठेकेदार का काम कितनी मजबूती से हो रहा है। खबर अभी भी जारी है, अभी तो गुणवत्ता देखी गई है, अब बारी उस अधिकारी की है जिसके नेतृत्व में टेंडरधारी ठेकेदार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। रिजवान खान के साथ लड्डन खान की स्पेशल रिपोर्ट। शेष खबर पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। अब कहां का रहने वाले जो बुलबुल नवाज महारथा बुलबुल नवाज की जंगल के करीब पुलिया बन रहा है, उसमें कितने छे क्या मसाला पड़ना चाहिए और कौन सी सरिया बनना चाहिए? मसला बना रहे हैं जी, और इससे पहले? अब इससे पहले जितने काम किया 6 का मसला बना है, उससे पहले नहीं बता सकता मैंने। ठेकेदार कौन है इसमें? क्या नाम का है हो? इधर मुँह घुमाइए, इधर आए हो। उनका नाम है प्रजन निगम, का नाम है जी? रजत निगम जी, रजत निगम। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ का? रिसिया का हो। तो इसमें कितने का मसाला पड़ना चाहिए? अब सर हमें नहीं मालूम कितना पड़ना चाहिए। आप कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें? हमको सर यहाँ लगभग 5-6 रोज हुआ है। कितने का मसाला बनवाए? अब सर 6 का मसाला बना हमारा सफर में। उससे पहले नहीं बता सकता सर जी। नाम क्या आपका? कमाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ जो काम कर रहे हो आप जी, कितने दिन से कर रहे हो? हम तो 3 दिन हुआ सर। कैसा चल रहा है काम? काम तो सही चल रहा है सर। और ये सीरीमिंट जो इसमें मौरंग सीरीमिंट चल रहा है जी, ये कितने का मसाला बनना है? 6 का बनना है सर। इससे पहले जो सर 3 दिन से आए, 3 दिन से अपने हिसाब से माल बनवा रहे हैं। ईटा कौन सा चल रहा है? ये अगर चल रहा है लाल पेटी चल रहा है जी। तो इसमें ईटा कौन सा लगना चाहिए? अभी तो सर वो बता सकते हैं, जितने जो मटेरियल आए वही हम लगा रहे हैं। अच्छा, तुमको नहीं मालूम है? अरे मालूम का सर, तो आने जी है जो मंगवा दे, लाल पेटी मंगवा दे, पीला मंगवा दे, उसको लगाने के लिए तैयार है। थाना कौन सा आपका? थाना जिला बहराइच। तहसील? नानपारा। ठेकेदार कौन है? जाकिर। वो तो राजेश निगम है, राजेश निगम हम लोग यही ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। मुंशी कौन है इसमें? मुंशी वही है, जाकिर जिसको कहते हैं। जाकिर जी। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। कहाँ का रहने वाले हो? बुलबुल निवास। थाना कौन सा है? थाना मटेरा। जिला भरई। तहसील नानपारा। ये बताइए जी, चंदर आपका नाम है? हाँ जी चंदर। इसमें ईटा लगा हुआ है जी। कौन सा ईटा लगा हुआ है? लाल पेटी है सर जी। कौन सा लगना चाहिए? अब इसमें अब ठेकेदार की मर्जी से लगना चाहिए, हमको नहीं मालूम, जो माल दिया हमने वही लगा रहे हैं। ये सरिया पड़ी हुई है इसमें जी, आपको दिख रहा है? हाँ जी। कौन सा सरिया लगना चाहिए इसमें? इसमें ये 3 सूत का है जी, और इसमें जो लायके आए हैं लगाने के लिए वही हम लोग लगा रहे हैं, हम मिस्त्री लोग, हम लोग क्या करेंगे। ये कितने सूत का सरिया है? ये 3 सूत का है। कितना लगना चाहिए जी इसमें? लगना चाहिए वो उनको मालूम होगा, हम तो लोग काम करने वाले हैं जी, ये हम नहीं जान सकते हैं। अब वो जितने लगवाएंगे उतने का लगेगा। मसाला कहाँ चल रहा है? मसाला तो 6 के बना है सर। इससे पहले हम 2-3 दिन आए नहीं, तो हमको नहीं मालूम। और उसके पहले जो आज कल बना है वो तो 6-1 के बना।